हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है विशाखास किचन चैनल में। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी बूरा क्या होता है, सो आज मैं आपको बूरा घर पे कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बूरा या तगार को हलवाई यूज करते हैं मिठाई या लड्डू पेड़े बनाने के लिए। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है एज कम्पेयर टू चीनी। बूरा को चीनी से ही बनाया जाता है। सो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप चीनी, पानी लिया है 1/2 कप, घी लिया है 1/2 छोटा चम्मच, दूध लिया है 1/2 छोटा चम्मच। सो चलिए फ्रेंड्स बूरा बना लेते हैं। सो पैन में हम 2 कप चीनी डालेंगे, उसमें हम 1/2 कप इतना पानी डालेंगे। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे और चीनी और पानी को अच्छे से मिलाएंगे। जब तक चीनी पानी में डिजॉल्व नहीं होती तब तक इसे हम स्टर करते रहेंगे। देखिए अब धीरे धीरे चीनी पिघलने लगी है। सो फ्लेम को हम लो करेंगे और चाशनी को हम गाढ़ी बनाएंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून दूध डाल रही हूँ। दूध इसलिए डाल रही हूँ ताकि चीनी में जो भी मिलावट यानी डर्ट होती है वो झाग से ऊपर आएगी। दूध को अच्छे से मिलाएंगे। कभी कभी चीनी में क्या होता है, मिलावट होती है, तो चाशनी में दूध डालने की वजह से उसमें झाग आ जाता है और जो डर्ट होता है वो अपने आप ऊपर आ जाता है। फिर उसे हम निकाल भी सकते हैं, इससे हमारी चाशनी भी क्लियर दिखेगी। सो यहाँ पर कुछ भी मिलावट नहीं है, देख सकते हैं आप। हमें 2 तार चाशनी चाहिए। सो इसे हमें गाढ़ा ही बनाना है, इसे हम कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। देखिए चाशनी अब गाढ़ी बनना शुरू हो गई है। याद रखें फ्लेम लो पे ही होनी चाहिए। आप देख सकते हैं पैन के कॉर्नर्स को भी चीनी अब लग चुकी है। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छे से मिलाएंगे। घी मिलाने से बूरा खिल जाता है। अब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और हमें कलची से इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है। इसमें जो लम्स बनना शुरू हुआ है उसे हमें कलची से स्मूथ करते रहना है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी। जब भी आप बूरा बनाएं तो प्लीज़ एल्यूमिनियम का बर्तन का यूज़ ना करें। इससे आपका बूरा का कलर डार्किश बनेगा, मीन्स ग्रे कलर का बनेगा। सो आप एल्यूमिनियम के अलावा कोई भी बर्तन लें। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे ये सॉलिड बनेगा। सो आपको कलची से बूरा को मिक्स करते रहना है। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इसे हमें हार्ड नहीं होने देना है, लाइट होना चाहिए ये। बूरा को हम छन्नी से भी छान सकते हैं, जो लम्स है उसे फिर बाद में हम बारीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चीनी से बनाया हुआ होममेड बूरा बन चुका है। इसे हम लड्डू पेड़े मिठाइयाँ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको बूरा क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हो। और ये आपको मार्केट से भी आसानी से मिलेगा। अगर आप इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो मैंने बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप इसे बनाइए। बूरा को आप मैंने बताए हुए बेसन के लड्डू में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके लड्डू भी बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। बूरा को ड्राई कंटेनर में रख के इसे आप 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। आपका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूले। आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।